है वो सचरो, स्वागत है आप सबका इस गेम क्यों बने करोड़पति में। हाँ, तो आज हमारे साथ हॉट सीट पे बैठे हुए हैं मिस्टर पांडो जी। पांडो जी, स्वागत है आपका क्यों बने करोड़पति में। हाँ, थैंक यू सर। अरे भाई पांडो जी, आपका नाम तो बहुत अनोखा है, अगर उसके पीछे कोई कहानी हो तो जरा हमें भी बताइए। सर वो कहा है ना कि हम अपने गांव के खेतों में पालक उगाते हैं, तो पूरा गांव हमें पालक वाला पांडू बुलाने लगा। गनीमत है आप अपने खेतों में गाजर नहीं उगाते। क्या मतलब? हर चीज का मतलब हो ऐसा कोई जरूरी नहीं। तो पांडव जी, आपके साथ यहाँ कौन आया है? सर हमारे साथ हमारे चाचा आए हैं। आ जाइए चाचा जी, आइए बैठिए, स्वागत है आपका क्यों बने करोड़पति में। तो चाचा जी क्या करते हैं आप? अरे सर हम बताते हैं सर, पूरे गांव में घूम घूम के बटोलेबाजी करते हैं, उसके अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। अरे यार हमारे गांव में हमारी 64 बीघा खेती है और उमा सैकड़ों क्विंटल पुदीना सूख रहा है, तो हमें काम करने क्या जरूरत है? अरे देखिए भाई साहब, ठीक है लड़िया मत, चलिए आपका जीवन पर बनी हुई एक क्लिप है उसे आइए हम सब देखते हैं। हमारा नाम मनोहर पांडे है, हम जिला पबजीपुर के छोटे से गांव पोजिंकी के रहने वाले हैं। हमारे पापा जुए का एक छोटा सा व्यापार चलाते हैं। हम लोग बहुत गरीब हैं, हमारे घर में गैस वाला चूल्हा नहीं है। हमारी माँ जब भी चूल्हा फूंकती है तो उनको बहुत खांसी आती है। ये हमारा बड़ा भाई है, ये बहुत दिनों से बीमार पड़ा है, हमारे पास इलाज का पैसा नहीं है। हाय, दारू ले क्या? क्यों बनिए करोड़पति मेरे लिए एक बहुत बड़ा मौका है, अगर मैं करोड़पति बन जाता हूँ तो हमारी जिंदगी की काफी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। चलिए हम चाहते हैं कि आज आप यहाँ से एक बहुत ही बड़ी रकम जीत के जाएं, ताकि आप अपने कुछ सपने पूरे कर सके। तो चलिए हम गेम को शुरू करते हैं, मैं जल्दी से आपको गेम का नियम समझा देता हूँ। सर नियम और कानून हम घर से सीख के आए अच्छी तरीके से, आप गेम चालू करिए। अरे देखिए भैया। अरे सर आप बात बहुत करते हैं, अभी थोड़ी देर में हुटर बजा देंगे और कह देंगे समय समाप्ति घोषणा, गेम शुरू करिए ना। तो चलिए गेम को शुरू करते हैं। 10,000 रुपए के लिए पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे, इनमें से कौन सी खांसी आपको बताती है कि आपको दमा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। सर हम अपनी तीसरी लाइफलाइन यूज करना चाहते हैं। ओके कंप्यूटर जी, तीसरी लाइफलाइन फोन अपरेंट को अंकित कर लीजिए। तो पांडव जी आप किससे बात करना चाहेंगे? सर गांव में हमारे एक दोस्त हैं चिरौंजी लाल, वही इसका जवाब दे सकते हैं, हमें उनसे बात करनी है। अच्छा मतलब आपका दोस्त डॉक्टर है? नहीं सर दमा के मरीज हैं। कंप्यूटर जी चिरौंजी लाल को फोन लगाया जाए। पांडो जी आपका समय फोन उठते ही शुरू हो जाएगा। हेलो। अरे चिरौंजी हम पांडू बोल रहे हैं, आप पांडू बोलो यार, एक सवाल है उसका जवाब दो। आप पूछो, इनमें से कौन सी खांसी जो आपको बताती है कि आपको दमा है? बताओ। अरे ऑप्शन तो दो, बीच में खांसने लगे हमको कुछ सुनाई नहीं पड़ा। अरे भाई वही तो ऑप्शन थे। अच्छा एक बार फिर से बताओ। यार अच्छा भाई ऑप्शन बी है क्या? नहीं यार वो हमको खांसी आ गई थी। अरे बताओ यार भाई हमको और मैं से एक लग रहा है, बाकी भाई अपना देख लो। पांडो जी आपके दोस्त कुछ क्लियर नहीं बता पाए। आए तो पांडो जी बताइए कौन सा ऑप्शन लॉक कर दिया जाए? सर ऑप्शन डी। तो कंप्यूटर जी ऑप्शन डी को ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब, आप जीत गए 10,000 रुपए। तो पांडो जी पहला पड़ाव पूरा हो चुका है, आपको कैसा लग रहा है? अरे सर इतना हल्का महसूस हो रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी शौचालय से होके आए। तो पांडू जी अगर आप यहाँ से एक मोटी रकम जीत के जाते हैं, हाँ, तो क्या करेंगे इतने पैसों का? सर आपको तो पता ही है कि हमारे पिताजी को जुआ खेलने की कितनी पुरानी आदत है। अच्छा अच्छा, तो आप इन पैसों से उनकी ये बुरी आदत छुड़ाएंगे? अरे नहीं सर, आदत तो बहुत अच्छी है। सर आपको मालूम नहीं कि पापा जुए में कितना पैसा जीत के लाए हैं, बस इधर उधर खुले में खेलते हैं तो कई बार पुलिस उठा ले जाती है, तो वही सोचे कि हम बापू के लिए एक सरकारी मान्यता प्राप्त जुआ अड्डा बना दें, तो अपना वो भी आराम से खेलने कोई दिक्कत ना हो, और क्या चाहिए। अरे भैया काफी नेक विचार है आपके। आए चलिए तो दूसरा क्वेश्चन 1,00,000 रुपए के लिए, यह रहा आपके स्क्रीन पे। ओ, समय समाप्ति की घोषणा। तो दोस्तों कल इसी टाइम इसी समय
इसी जगह फिर से मिलेंगे और देखेंगे कि पांडव जी आगे कहाँ तक जा पाते हैं। तब तक के लिए शुभ रात्रि।